Hello guys, welcome everyone, this is your host Game Lord and welcome back to another episode of Grand Theft Auto Vice City. जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर जो है तकरीबन तीन से चार बिजनेसेस हमने बाय किए और अब हमने टोटल जो है तकरीबन सेवन बिजनेसेस बाय कर लिए हैं ऑल ओवर द वाइस सिटी. ठीक है, एक बिजनेस रह गया है जो कि प्रिंटिंग प्रेस वाला एक फैक्ट्री है, उसको हमने बाय करनी है. लेकिन उससे पहले यहाँ पे नज़दीक ही हमारे पास मिशंस हैं फिल कैसिडी के. ठीक है, फिल कैसिडी ने हमें कॉल की थी, उसने कहा था कि तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, अब मैं चाहता हूँ कि हम फर्दर भी कुछ काम जो है वो हम साथ मिल के करें. तो अब चलते हैं फिल कैसिडी की कंपनी जो बाय की थी, इसके हमने सारे मिशंस कंप्लीट कर दिए थे. तो लेट्स गो, अब चलते हैं फिल कैसिडी भाई के पास और देखते हैं वो हमें क्या कह रहे हैं. ठीक है, ये तो भाई कोई पुराना कोई कबाड़ है, जंक यार्ड सा लग रहा है मुझे. खैर कोई नहीं, चलते हैं फिल कैसिडी के पास, लेट्स गो. Bill, run! Run! अरे भाई साहब, आते साथ ही धमाका कर दिए. Wait! Never get a naked life too close to one of Phil Cassidy's moonshine stills. Shit, Phil. Did you drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Ah-wee! Listen, Phil. You said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gun runner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey! Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Go and knock the arms off the back of the dealer truck. ठीक है, तो उसका फिल कैसिडी भाई के पास आए थे. ठीक है, और फिल कैसिडी सबसे पहले तो टॉमी वर्सेटी ने उसे देखा, बड़ा स्ट्रेंज उसको लगा कि यार ये एक ऐसा नशा करता है. ठीक है, जो बॉम्ब के साथ मिस करके उसको हवा में जो है फैला के, ठीक है, फिर उसको मतलब उसका यही नशा है. ठीक है, तो अब जो है उसने फिर वर्सेटी ने उसे कहा था कि टॉमी ने उसे कहा कि भाई मैंने तुम्हें बड़े अरसे से कहा भाई कि मुझे वेपन्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो टॉमी वर्सेटी को फिल कैसिडी ने कहा कि ठीक है, मैं बड़े अरसे से एक मैक्सिकन गैंग के साथ डीलिंग शीलिंग कर रहा हूँ. ठीक है, और अब मुझे उनका सारा पता है कि वो किस टाइम पे जो है कौन सी डील को जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, जो कार्गो होता है, तो अब कहते हैं कि उनका कुछ मैक्सिकन गैंग का जो कार्गो सामने नज़र आ रहा है, ट्रक्स वगैरह हैं, इसके अंदर कुछ वेपन्स है वो लेकर जा रहे हैं. तो हम ये जाके ठीक है, तो उन्होंने भी लगता है बैकअप बुला रहे, हमारे पीछे पुलिस भी हो गई है भाई, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये वाला मिशन. ओके, तो ये है वेपन, इसको पकड़ते हैं.
लेट्स गो। तो इसमें हमने फिल कैसिडी का ये वाला मिशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसने कहा था कि यार वेपन्स वगैरह जो है मैक्सिकन गैंग से मिल जाएंगी। ठीक है, तो वेपन्स तो हमने सारी कलेक्ट कर ली हैं, अब चलते हैं वापस। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैप पे कोई मिशन नहीं है, तो आई थिंक फिल कैसिडी कॉल शॉल दोबारा करेगा। सो अपने आपको मेरे ख्याल में उसके करीब पहुँचाते हैं। ठीक है, फिर जाते हैं फिल कैसिडी के पास। ठीक है, तो उस वक्त फिल कैसिडी का कॉल आई है। ठीक है, उसने कहा है कि मेरे पास बूम शाइन, ठीक है बूम शाइन, अब इसका जो है बनाया हुआ कोई मेरे ख्याल में ड्रग है। ठीक है, तो कह रहा है कि कभी फ्री हो जाओ तो आओ, हम दोनों मिलके जो है इसको पियेंगे, गांजा वांजा फूकेंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं फिल कैसिडी से मिलने, लेट्स गो। Hey Phil, how's it going? Hey Connie, how you doing? This bit you love. I swear, it's that PV. That boom shine, man, smells like paint stripper. Make my eyes burn. Shh, Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell, Tommy. You just watch this. Shitty, cheap batteries or something. There's some more on the bench. Ta-da! Ooh, boy, Tom. Oh, damn! Ooh, I see, boy. Oh, अच्छा. इसका हाथ कट गया है भाई. अब मुझे समझ में आई. देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि फिल कैसिडी की अपेयरेंस ऑलरेडी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 के अंदर हो चुकी है। ठीक है, जिसने अगर वो गेम खेली है उसको पता होगा, फिल कैसिडी क्लाउड के साथ जो है वो मिला था, एक मिशन था, उस मिशन का मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उस मिशन के अंदर फिल कैसिडी था और फिल कैसिडी का एक हाथ नहीं होता। नाउ आई नो कि उसका एक हाथ क्यों नहीं होता, वो मुझे अब समझ में आई। इस वक्त फिल की हेल्थ काफ़ी कम है, इसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, और भाई हम नशे में भी है, इसका बूम शाइन जो है जाहिर से बताए धुआं मुआ जो हमने इनहेल किया तो हमें भी चढ़ गई है। ठीक है, सो लेट्स गो, इसको पहुंचाते हैं हॉस्पिटल। There's an ex-army surgeon who owes me a few favors and a lawnmower. He's got a place down in Little Havana. Oh, look, giant fish.
ठीक है, फिल कैसिडी को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, जिसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉप्स होंगे, तो मेरा एक दोस्त है एक्स आर्मी सर्जन है, मुझे उसके पास ले जाओ, उसके पास जगह वगैरह भी है तो वो मुझे पैचअप कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस। ओके, नाउ आई सी कि इसका एक हाथ क्यों नहीं होता GTA 3 के अंदर, फिल कैसिडी का। इंटरेस्टिंग मैन। तो इसके साथ जो है फिल्स के सारे मिशन जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और यहाँ पे वेपन्स अवेलेबल होंगी, हम इसको ख़रीद सकते हैं। फिल यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर है भाई, डिफरेंट वेपन्स है तो हम ख़रीद सकते हैं, पैसा हमारे पास बहुत है, हम कर सकते हैं। तो इसके साथ ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया है। फिल कैसिडी को हमने छोड़ दिया भाई एक्स आर्मी सर्जन के पास, वो उसको पैचअप कर देगा। और बिकॉज GTA 3 जो है इसके बाद वाले इवेंट्स हैं, तो उसके अंदर जो फिल कैसिडी की अपीयरेंस है उसके अंदर उसका एक हाथ नहीं होता, तो नाउ आई नो, ठीक है, एंड यू नो एज वेल। अब यहाँ पे एक कॉल है, लेट्स सी। Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. ठीक है, तो फिल कैसिडी ने बताया कि भाई मेरा वूल अच्छे से हील हो रहा है और मैं अब जो है फ्रॉड नहीं कर सकता गवर्नमेंट के साथ में, चेक्स वगैरह जो भी ले रहा था, ठीक है अपने ना। खैर, यहाँ पे अब फिल के सारे मिशंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और जो है बिज़नेस बाकी है जो हमने बाय करना है, ठीक है। तो चलते हैं स्ट्रेट उस बिज़नेस की तरफ, ठीक है, और उसको बाय करते हैं ताकि ये किस्सा जो है ख़त्म हो वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, और सारे बिजनेस हम बाय कर लें और उसके ओनर बन जाए, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस के नाम से यहाँ पे कोई बिज़नेस है, ठीक है, वो हमने बाय करना है, और वो मेरे ख्याल में इसी लिटिल हैवाना के अंदर जो है मौजूद है। लिटिल हैवाना और लिटिल हेशी दोनों के दरमियान जो है वो वाकया है, तो अब जाते हैं उसको बाय करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द प्लेस, और ये वो लास्ट बिज़नेस है जो हमने बाय करना है, ठीक है। प्रिंट वर्क्स इसका नाम है। $70,000 की ये कॉस्ट हमें पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा बहुत है, वी कैन बाय इट, लेट्स गो। हे मारियो, हे इट्स मिस्टर वी, हे मारियो, मिस्टर वी, देखते कहते हैं कि नहीं, कह ना भाई। तो इस वक्त हमने प्रिंटिंग वर्क्स जो है ये वाली फैक्ट्री हमने बाय कर ली है। अब यहाँ पे भी कुछ मिशंस अवेलेबल हैं, इसको भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे, लेट्स गो। तो इस वक्त गेम मैंने सेव कर ली है, एंड लेट्स गो, और यहाँ से पकड़ते हैं अपना पहला मिशन। मिस्टर वसेटी, हे, यू बॉट द ओल्ड प्रिंट वर्क्स? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Interesting, bhai. You can use the coffin to take you to destination instead of driving. It will cost you $9. Go and meet Kent Paul at the Malibu Club. Okay, let's go, bhai. Milte hain कैंट पॉल के साथ, ठीक है। टैक्सी में जाते हैं भाई, यहाँ से अब जाएंगे। इससे पहले कि मैं कैंट पॉल से मिलूँ, यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमने प्रिंट वर्क्स वाली फैक्ट्री बाय कर ली, ठीक है। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है प्रिंटिंग का सामान होता है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो एक बूढ़ा बाबा था, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसने ये बताया कि भाई इसके ज़रिए हम मनी भी छाप सकते हैं। यहाँ पे हमें बड़े अरसे से मनी छाप रहे, किसी को पता नहीं लगता। तो टॉमी और सेडी को ये आइडिया थोड़ा पसंद आया कि भाई इससे और पैसा ये बना सकते हैं, मतलब ब्लैक मनी, और ठीक है, और उसको फिर मनी लॉन्डर करके जो है वो इसको साफ़ कर सकता है। तो यहाँ पे अब एक आइडिया है टॉमी वर्सेटी के, लेकिन उससे पहले यहाँ से मिलते हैं कैंट पॉल के पास, देखते हैं इसको क्या पता है र्यूमर्स के बारे में, ठीक है।
loss on that. All right, girls, you're lost, mate, innit? All right, milk china. How's hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine. Well, how about you? Come here. All right. You obviously a busy man. All I know about dodgy reddies is to try and supply the plates. Fuck! You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Oh. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. तो इस वक्त जो है हम कैंट पॉल के साथ मिल गए हैं, ठीक है, और उसने हमें बता दिया है, जाहिर सी बात है, जहाँ पे ये डीलिंग हो रही है उस जगह का पता लग गया है। कैंट पॉल को सारी जगहों का पता होता है, सारी बातों का, ठीक है, वाइस सिटी के अंदर जो हो रही होती है। तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जाने से पहले एक मिनट ये आर्मर पकड़ लें। तो अब डॉक्स के ऊपर जो है कोई डीलिंग शीलिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हमारा बोट यार्ड जो हमने वहाँ भी हमारा बिजनेस है वो हमने बाय किया हुआ था, तो उसके करीब ही वहाँ पे जो है कोई डीलिंग शीलिंग हो रही है। और वहाँ पे जो है प्लेट्स जो उनको चाहिए, ठीक है, प्रिंट करने के लिए मनी, ठीक है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल सकती है। तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। अब ये एक नया आइडिया जो है टॉमी भाई के दिमाग में आया है, ठीक है, कि पैसे बनाना है और मतलब प्रिंट करके, ठीक है, ब्लैक मनी बना के फिर उसको हम लॉन्डर कर सकते हैं, वाइट मनी के अंदर जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी लॉन्डरिंग वाला जो है ना, मतलब उसके दिमाग में आइडिया आया हुआ है टॉमी वसेटी के। तो इसलिए हम जा रहे हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, काफ़ी लिथल इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ से मिल सकती है आगे हमारे लिए जो है हमारे बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गेट द इन्फॉर्मेशन बैक टू द प्रिंट वाली, इस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ से चलना है वापस। Yeah.
Central Pike Road. This was a 1071 Central Pike Road. Respond to a 1019 Central Pike Road. You're really... लेट्स गो. अब हम वापस जा रहे हैं प्रिंटिंग प्रिंट वर्क्स फैक्ट्री जो हमने ओन की है, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा दे. लेट्स गो. इस वक्त हमने ये वाला मिशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है. तो अब यहाँ से पकड़ते हैं अपना सेकंड मिशन, ठीक है, प्रिंट वर्क्स का. यहाँ से मैं आर्मर लेने आ रहे भाई. चल आर्मर तो गया माँ. लेट्स गो और यहाँ से लेते हैं अपना सेकंड मिशन. All right, the courier's moving the plate from the docks today. I'm going to go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right, everybody cool? All right, I'll catch you later. ठीक है. तो इस वक्त लैंस भी आया हुआ था और उसने कहा कि भाई तुम्हारे बीच अगर कोई पुलिस शुलिस लगेगी तो उसको हम और जो लोग हैं तुम्हारे, ठीक है, गैंग के, ठीक है, हम हैंडल कर देंगे. और बाकी जो है, जो मीटिंग जो प्रीवियस मिशन हमने किया उससे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो जो प्लेट्स हैं वो आ रही हैं डॉक, ठीक है, और उसका हमें पता चल गया. अब हमने यहाँ से जाना है और चलते हैं डॉक की तरफ जहाँ पे मीटिंग हो रही है और जहाँ पे प्लेट्स आएंगी, ठीक है, डिलीवर होंगी. इस वक्त प्लेट जो है वो कुरियर के ज़रिए जो है हेलीकॉप्टर के अंदर आ रही है, ठीक है, और उसके लिए ऑलरेडी जो है वहाँ पे मेरे ख्याल में लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे रिसीव करने के लिए. तो अब हमने चलना है और उन प्लेट्स को अपने कब्ज़े में करने हैं. इसी प्लेट्स की ज़रिए जो है हम क्या करेंगे, इसी प्लेट्स के ज़रिए जो है हम मनी को जो है वो छापेंगे, ठीक है, आने वाले वक्तों के अंदर. तो ये इसलिए ज़रूरी है प्लेट्स, ठीक है. यू हैव द काउंटरफीट प्लेट्स, ठीक है, हमें प्लेट्स मिल गई हैं. अब यहाँ से निकलना है, भागना है. तो इस वक्त हमें प्लेट्स मिल चुकी है, ठीक है. अब हमने इसे वापस पहुंचाना है इसकी डेस्टिनेशन पे ताकि इसको हम सेव करके रख लें, ठीक है. Central
Let's go print work assets is completed. ठीक है, $8,000 का हमें रेवेन्यू मिलेगा हर दिन. ठीक है, मिस्टर वी ने जो है भाई आटो बिजनेस जो है ओन कर ली हमने. ठीक है, और अब हम उसके मालिक हैं. तो सिंपली सारे मिशन इस वक्त कंप्लीट हो गए हैं, कोई भी मिशन इस वक्त बाकी नहीं रही है. यहाँ से चलते हैं, यहाँ से अपना आर्मर लेते हैं. अरे आर्मर तो है ही नहीं. Hey, it's Mr. V. ये आर्मर पकड़ते हैं यहाँ से. ठीक है, और एक कॉल आ रही है, ये कॉल लेते हैं. ठीक है, तो इस वक्त हमें कैन रोजनबर्ग की कॉल आई है. इस वक्त सारे मिशन हमने कंप्लीट कर दिए, प्रिंट वर्स के भी हमने सारे मिशन कंप्लीट कर दिए, लेकिन कैन रोजनबर्ग ने कहा है कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा हो गया. ठीक है, प्रिंट वर्स के ऊपर, तो हमें उधर जाके चेकआउट करना चाहिए. तो हम इधर ही हैं, करीब ही हैं. भाई इस आर्मर लेने का फ़ायदा क्या होता कि जब एक और कॉल आई, ये भी पकड़ते हैं. Tommy, I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. ठीक है, तो इस वक्त कैन रोजनबर्ग की एक और कॉल आई है, और फिर उसने कहा है कि भाई सोनी फोरेली ने उसको कॉल की है और वो उसको थ्रेटन कर रहा है और उसकी फैमिली को भी थ्रेटन कर रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे. तो टॉमी ओसेटी ने कहा भाई तू हौसला रख, कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा. तो अब यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है प्रिंट वर्स के ऊपर, देखते हैं कि क्या गड़बड़ है वो. ओके, व्हाट्स द इमरजेंसी? ओह, टॉमी, some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Ferrello's money. Oh, I feel like crap. Ferrelli? Sonny Ferrelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. Up. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. The mafia is texting you, busy, fired them and killed them. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो सोनी फोरेली आया था और उसके कुछ बंदे आए थे, और प्रिंट वर्स में हमारे पॉप्स को उसने मारा भी है. ठीक है, तो अब माफिया जो है हमारे जितने ही बिजनेस थी उस पर अटैक कर रही है. भाई मुझे कोई व्हीकल तो दो ना भाई, ये कौन सा तरीका है, ये दे दो. ठीक है, तो माफिया जो है इस वक्त पूरे बिजनेस जो हमारे जितने ही फैले हुए हैं उन सब पे अटैक कर रही है. द माफिया इज अराइव एट द बोट यार्ड. तो अब चलते हैं भाई, इनको जरा सबक सिखाते हैं. सोनी फोरेली आखिरकार आ ही गया, जिसका हमें डर था. ठीक है, बहुत वक्त से हमें पता था कि वो अपने पैसों के पीछे वापस आएगा, और अब उन्होंने जो है खुला, उन्होंने जो है हमारे पास हम पर अटैक करना स्टार्ट कर लिया. बोट यार्ड पे जो जितने भी पैसे वैसे थे उन्होंने, अरे यार द माफिया इज़ लीविंग द बोट यार्ड. ठीक है, उन्होंने हमारे बोट यार्ड पे भी जाके अटैक किया. ठीक है, और उसमें जितने भी पैसे वैसे थे वो उन्होंने अपने लिए. ये आ रहे हैं माफिया के बंदे, इनका पीछा करना है. लेट्स गो. ये मेरे ख्याल में अब जा रहे हैं हमारे जो कार शोरूम वाला जो बिजनेस है उसको अटैक करने जा रहे हैं.
लेट्स गो सकता, तो हमने ये वाला मिशन कंप्लीट कर लिया है और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करेंगे अब, क्योंकि इसके बाद अब मेरे ख्याल में इस फाइनल शो डाउन, ठीक है, लास्ट मिशन है इसके बाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कंप्लीट करेंगे। अभी इस वक्त जो है मैं पहुंचता हूँ फौरन से फौरन वर्सिटी स्टेट, बिकॉज वहीं पर हमें जो है अपना लास्ट मिशन भी मिलेगा। तो इस वक्त यहाँ पर जो माफिया थे वो हमारे पीछे पड़ गई है, ठीक है, उन्हें पता चल गया है कि हमने यहाँ पर बिजनेसेस एक्सपेंड कर लिए हैं, ठीक है, और खूब पैसा शैसा बना लिया है। तो अब सोनी फरेली आया अपना पैसा और अपना हिस्सा मांगने, ठीक है, विच इज़ द राइट थिंग, लेकिन इस गेम के अंदर जो है हम नहीं देने वाले भाई सोनी फरेली को, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, और अब हम गिव अप नहीं करेंगे और हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि टॉमी वर्सिटी पहले सोनी फरेली के लिए ही काम करता था, लेकिन अब जो है हालात कुछ और है, अब हम काफ़ी पैसे वाले बन गए हैं, ठीक है। सो अब हम कोई सोनी फरेली के लिए काम नहीं करेंगे और माफिया आ रहा है हमारे बिज़नेस को टेक ओवर करने, तो हमने उनको भी सबक सिखा दिया है। तो अब यहाँ पे ये कॉल उठाते हैं, लास्ट कॉल होगी आई थिंक। टॉमी, इट्स लैंस, वी गॉट बिग प्रॉब्लम्स, कम डाउन हियर राइट अवे। सो दैट इज इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो, और फिर इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इस फाइनल मिशन को जो है हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और अपने और अपनों का ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।